हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में फिर से एक बार इंग्लिश मोरल स्टोरी को कवर करने वाले हैं, जिस स्टोरी का टाइटल है ड्रीम्स कम्स ट्रू। तो ड्रीम्स कम्स ट्रू का मतलब क्या होता है, इस लाइन को हम लोग पढ़कर समझेंगे और इस स्टोरी के माध्यम से प्रोनंसिएशन, वोकेबलरी, साथ में ग्रामर पोर्शन को भी कवर करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर किस प्रकार से यूज किया गया है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। वंस प्योर भिखू वेंट टू बंसीलाल शॉप। तो वंस मतलब होता है एक बार, पुअर मतलब जो होता है सो गरीब होता है। तो भिखू वेंट टू बंसीलाल शॉप, तो बंसीलाल शॉप यानी कि पुअर भिखू जो यानी गरीब भिखू जो था वो बंसीलाल का दुकान गया था। तो वेंट का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो वेंट का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि हम लोग गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, तो पास्ट में बनाए हैं तो वेंट यहाँ पे लिखा गया है। तो भिखू जो से कहाँ गया था, बंसीलाल का शॉप गया था, ठीक है। बंसीलाल आस्क्ड ही भिखू, तो बंसीलाल आस्क मतलब क्या होता है, तो आस्क मतलब जो होता है सो पूछना होता है। तो बंसीलाल उससे पूछा, आस्क्ड यानी कि यहाँ आस्क्ड है तो यानी कि पास्ट में पूछा था, तो वहाँ पे बंसीलाल उसको पूछा, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक दिस, बोला कि तुम यहाँ पे इस प्रकार से क्यों ठहरे हो, क्यों खड़े हो। लाइक मतलब होता है जैसे कि किसी के जैसा लगाना, तो जैसे कि इस तरह से, इस तरह मेरा जैसा, तो लाइक मी उसको बोलेंगे, मेरा जैसा तुम्हारे जैसा, तो लाइक यू यानी तुम्हारे जैसा। तो इसी प्रकार से बोला कि वाई आर यू स्टैंडिंग, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, तो वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, लाइक दिस इस प्रकार से। तो यह इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है यानी कि इंट्रोगेटिव टेंस जो है कंटिन्यूअस टेंस के प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है ना, प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ई जी एम आर के बाद हम लोग फोर्थ फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं। तो ये जो हो गया सो इंट्रोगेटिव टेंस, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो बोलता है भिखू को जब पूछा कि तुम यहाँ इस प्रकार से क्यों खड़ी हो, तो भिखू सेड, भिखू उसे कहा, लास्ट नाइट आई सॉ अ ड्रीम, बोलता है कि लास्ट नाइट यानी कि ये रात जो पिछली रात था उसमें मैंने एक सपना देखा। ड्रीम जो से क्या है, एक प्रकार का नाउन है, इसे हम लोग वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सपना देखना, तो वहाँ पे हम लोग ड्रीम का यूज कर सकते हैं। तो वही भिखू जो बोला लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात, आई सॉ अ ड्रीम, मैंने जो से एक सपना देखा। व्हाट अबाउट द ड्रीम, तो वो पूछता है कौन, बंसीलाल, सपने के बारे में क्या है। बंसीलाल स्माइल्ड, तो बंसीलाल जो से मुस्कुराते हुए वह कहा था यानी कि मुस्कुराते हुए पूछा था, स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराया, तो मुस्कुराया था कि सपने के बारे में क्या है। तो आई सॉ दैट आई वुड गेट गोल्ड हियर इन फ्रंट ऑफ और शॉप, तो वो जो बोलता है कौन, भिखू बोलता है, मैंने देखा था कि मुझे सोना मिला है। आई वुड गेट जैसे कि मिला है, गेट मतलब पाना तो मिलना, तो आई वुड गेट गोल्ड हियर कि मुझे सोना मिला है आपके दुकान के सामने। तब भिखू जो है, भिखू रिप्लाइड सीरियसली, भिखू जो इसे सीरियसली में उसे रिप्लाई दिया यानी कि जवाब दिया। बंसीलाल लाफ्ड एंड सेड, तो उसने सीरियसली में उसे जवाब दिया, भिखूलाल कौन जवाब दिया, भिखूलाल, और कहा, उसने हंसा भी, हंसा और कहा, यू फूल, तुम जो से मूर्ख हो, तुम मुखरता करती हो, ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, ड्रीम्स जो से कभी सच्चा नहीं आता है। कौन बोला, वो बंसीलाल बोला कि तुम मूर्ख मूर्खता करते हो यानी मूर्ख करते हो कि ड्रीम्स जो है सो कभी सच्चा नहीं आता है। इफ देखते हैं, अब आगे देखते हैं, इफ ड्रीम्स कम ट्रू देन आई टेल यू, बोल रहा कि यदि ड्रीम्स सच्चा आती है तब मैं तुम्हें बताता हूँ, व्हाट आई सॉ इन माई ड्रीम, मैंने अपने सपना में क्या देखा। बोलता है इन माई ड्रीम, सपने में आई सॉ दैट देयर इज अ गोल्ड हिडन, बोल रहा है कि देयर इज अ गोल्ड हाइडन, क्या बोलेंगे इसको, हिडन ने हाइडन बोलेंगे, हाइड मतलब क्या होता है,
तो हाइड मतलब होता है छुपाना, छिपना, छिपाना, तो हाइडन, हाइडन मतलब छिपाना। तो यहाँ पे देखते हैं हाइडन जो है से कौन सा फॉर्म उपयोग किया गया है, तो थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इज के बाद क्या है, हाइडन है, यानी कि जैसे प्रजेंट इनडिफिनिट, प्रजेंट टेंस होता है ना, प्रजेंट इनडिफिनिट टेंस, तो वहाँ हम लोग क्या, जैसे कि प्रजेंट सिंपल टेंस बनाते हैं तो वहाँ हम लोग इज एम का प्रयोग करते हैं ना, जैसे कि मैं जैसे कि दूध जो सो मीठा है, तो मिल्क इज स्वीट, उसे हम लोग बोलते हैं प्रजेंट सिंपल टेंस। लेकिन प्रजेंट इनडिफिनिट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या तो वर्ब का फाइव फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रजेंट इनडिफिनिट टेंस। लेकिन प्रजेंट सिंपल टेंस में हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो इज के बाद देखते हैं सो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, जैसे कि हिडन, हाइडन, तो हाइडन जो से लगा हुआ है तो इसके मतलब होता है कि वो जो है टेंस जो है सो पैसिव वॉइस में बना है, किसी भी कहीं भी आपको नज़र आ जाए कि इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है तो वहाँ पे समझ लेना है कि यह टेंस जो है सो स्ट्रक्चर जो है सो पैसिव वॉइस का है। तो वह बंसीलाल जो दुकानदार था उसने देखा था सपने में कि सोना जो से छिपाया हुआ है, यानी कि छिपा हुआ है, ठीक है, कहाँ छिपा हुआ है, अंडरग्राउंड इन और कोर्ट आर्ड। तो अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर होता है, कोर्ट आर्ट के मतलब क्या होता है, तो कोर्ट आर्ट मतलब होता है गलियारा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो बोलता है कौन, बंसीलाल बोलता है उसको कि मैंने एक सपना देखा है कि तुम्हारा गलियारा के जमीन के अंदर जो से सोना छिपा हुआ है, भिखू राष्ट्र व्याग, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझिए ये वर्ड जो से, राष्ट्र मतलब होते हैं अच्छा जल्दी कहीं पहुंच जाना, यानी जल्दीबाजी में कहीं पहुंचना, जल्दीबाजी में जाना को हम लोग रस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, भिखू राष्ट्र, भिखू राष्ट्र व्यक्त, तो भिखू जो से तेजी से पहुंचा वापस, वन द वे रास्ते में ही केप्ट थिंकिंग, तो कैप्ट जैसे कि बोलता है ही कैप्ट थिंकिंग, तो कैप्ट का जैसे कि कहीं भी हम लोग एक स्ट्रक्चर होता है कि कीप के बाद, केप के बाद जो फोर्थ फॉर्म आती है वर्ब का उसका स्ट्रक्चर जो निकल कर आती है सो क्या होता है। तो यदि आपको बोलना बोलना पड़े कि वह खेलता रहा, वह नाचता रहा, वह सोता रहा, वह सोचता रहा, तो इस तरह का सेंटेंस जब बनाते हैं तब वहाँ पे हम लोग इस स्ट्रक्चर को उपयोग करते हैं। तो भीखू जो से यहाँ क्या है, कीप, कीप जो से वह नाचती रही, वह नाचती रही, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जब नाचती रही तो इसको कैसे बनाएंगे, वह नाचता रहा, तो नाचता रहा यानी कि प्रजेंट में, तो यहाँ पे क्या है सेके प्रजेंट के बाद यहाँ पे देखते हैं पास्ट है, यहाँ पे कीप कैप्ट यूज किया गया है, तो कीप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट होता है, तो वह सोचता रहा यानी कि पास्ट में सोचता रहा, तो ही, तो ठीक है ही कैप्ट, कैप्ट के बाद क्या है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी कि वह सोचता रहा, अब क्या सोचता रहा आगे देखते हैं, जैसे कि वह नाचता रहा तो ही कैप्ट डांसिंग, वह नाचता रहा, वह गाता रहा तो ही कैप्ट सिंगिंग, यानी कि वह गाता रहा। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर निकल कर आता है सो इसी माध्यम से बनता है, तो वह सोचता रहा मैं बी ड्रीम्स, शायद सपना कम ट्रू, यानी कि शायद सपना जो है सो सच हो जाते हैं, वह जो से रास्ते में सोचता रहा, ठीक है। ही रीच्ड होम एंड स्टार्टेड डिगिंग इन हिज कोर्ट यार्ड, उसने उसने हो अपना घर तो पहुंचा, रीच मतलब क्या होता है, पहुंचना होता है, रीच्ड मतलब पहुंच गया, यानी कि पास्ट में था, वह पहुंचता घर पहुंचता है और स्टार्टेड डिगिन, जा कहीं भी देखते हैं कि स्टार्टेड आ जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर निकल कर क्या आता है, तो स्टार्टेड के बाद यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, क्या है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो उसको कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे मतलब उसको समझते हैं, तो जैसे कि
वह मुस्कुराने लगा। ठीक है, तो जैसे कि बोलते हैं ही बिगेन टू स्माइल, क्या ही बिगेन टू स्माइल, वह मुस्कुराने लगा। ठीक है, तो ही स्टार्टेड टू स्माइल, यानी कि वह मुस्कुराने लगा। यानी कि किस भी चीज़ को शुरू करना बिगन से भी होता है और स्टार्ट से भी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट के बाद कौन सी फॉर्म आ रहा है, तो सेकेंड फॉर्म सॉरी फोर्थ फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं डिगिंग, तो वहाँ हो गया कि वह जो से रास्ते में क्या सोचते रहा था कि ड्रीम जो से सपना सच हो जाती है, तो वह जल्दबाजी में वहाँ पे पहुँचा। वो जैसे ही पहुँचा और शुरू कर दिया अपना गलियारा को खोदने के लिए। डिग मतलब जो होता है सो खोदना होता है। ठीक है, सडनली ही सोवेल, तो सोवेल मतलब क्या होता है, सोवेल मतलब जो होता है सो फावला होता है। तो इससे उसका स्ट्रक या पोट, स्ट्रक मतलब होता है टकराना या पोट, यानी कि ये पोट मतलब जो होती है सो बर्तन होती है। तो सडनली उसका फावला जो से एक बर्तन से टकराया। ही टुक आउट द पोट, उसने जो से बर्तन को बाहर निकाला। इट वॉज फील्ड विथ गोल्ड कॉइन्स, और यह जो से भरा हुआ था सोने के सिक्के से। तो फील्ड मतलब क्या होता है, भरना, तो फील्ड मतलब क्या हो गया, फील्ड मतलब होता है भरना। तो ये तो कहाँ से, यहाँ कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, थर्ड फॉर्म यूज किया गया है जो कि पैसिव वॉइस में बना है। तो इट वॉज फील्ड विद गोल्ड कॉइन्स, या जो ऐसे सोने के सिक्के से भरा हुआ था। भिखू हैप्पली सेड, भिखू जो ऐसे खुशी से कहती है, भिखू हैप्पली सेड, भिखू जो से खुशी से कहती है, यहाँ पे सैड है, भिखू खुशी से कहती है, थैंक्स टू बंसीलाल, थैंक्स टू बंसीलाल, बंसीलाल को उसने खुशी से कहती है, हु टीज्ड मी, जिसने मुझे चिढ़ाया था। टीज मतलब क्या होता है, चिढ़ाना होता है या फिर क्या होता है, और छेड़ना होता है। जैसे कि छेड़ना और चिढ़ाना को हम लोग टीज बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। हु जो प्रयोग किया जाता है सो व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि उसने बंसीलाल के लिए किया गया है। हु मतलब जो निकलता है सो मीनिंग निकलता है, जो निकलता है। तो जिसने मुझे चिढ़ाया था अबाउट माई ड्रीम, मुझे मेरा ड्रीम के बारे में। नाउ आई एम नो लॉन्गर या पुअर मैन, अब मैं गरीब नहीं हूँ। तो चलिए इस स्टोरी का अब मोरल, जो स्टोरी है उसका मोरल निकल कर क्या आता है, तो मोरल निकल कर आता है पेशेंस कैन मेक ड्रीम्स कम टू रू, यानी कि पेशेंस जो है पेशेंस कैन मेक ड्रीम्स कम ट्रू, पेशेंस धैर्य जो से धैर्य धैर्य बनाती है सपना जो से सच होती है। पेशेंस जो होती है वो बताती है कि सपना जो से सच होती है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग यही समझते हैं कि धैर्य जो बता रही सो सपने के बारे में सच बता रही है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।